तो गाइज बात करते हैं हम लोग, शुरुआत करते हैं सेंट्रल बैंक के फंक्शन की। सेंट्रल बैंक कौन कौन से फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। आप किसी भी टाइप की कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम और यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th एंड यू आर स्टडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स इन क्लास 12th, आप मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं क्लास 12th में, और यदि नहीं भी पढ़ रहे हैं और यदि आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सेंट्रल बैंक जो है वो मॉनिटरी अथॉरिटी है अपने देश की, या अपने देश की या बाकी भी सभी देशों की होती है, अपने अपने देशों में सेंट्रल बैंक होती है। तो जिस तरीके से हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उस तरीके से बाकी देशों में कहीं पर फेडरल रिजर्व बैंक होगी, कहीं पर सेंट्रल बैंक के नाम से होगी। तो सेंट्रल बैंक जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है, जो कि पूरे मनी सप्लाई को, पूरे देश में मनी सप्लाई को जो है वो कंट्रोल करती है, या हम कहें कि पूरे मनी सिस्टम को कंट्रोल करती है। तो पूरा मनी सिस्टम कंट्रोल करती है, इसमें जो फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म कर रही है वो फर्स्ट फंक्शन है नोट प्रिंट करना, नोट को सर्कुलेट करना, करेंसी को सर्कुलेट करना, करेंसी कॉइन्स सभी चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो करेंसी अथॉरिटी है वो कौन है, सेंट्रल बैंक है। हमको मालूम है कि सारे नोट प्रिंट कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। हमारे देश की बात करते तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, एक्सेप्ट 1 रुपीज़ कॉइन, 1 रुपये का जो नोट है, 1 रुपये का जो कॉइन है उसको जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है प्रिंट करती है। इसके अलावा बाकी जितने भी हम बात करेंगे, बाकी जितनी भी करेंसी है वो सारी करेंसी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो प्रिंट करती है। ऑलराइट, तो सबसे पहला फंक्शन हुआ करेंसी अथॉरिटी, राइट, करेंसी अथॉरिटी है सेंट्रल बैंक। सेकंड फंक्शन की हम बात करते हैं बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। जिस तरीके से हमें पैसे डिपॉजिट करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिस तरीके से मान लीजिए हमारा कोई बिजनेस है और हमारा बिजनेस और हमें कहीं पर कहीं से पेमेंट कलेक्ट करना है या कहीं किसी को पेमेंट करना है तो हम चेक के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू जिस तरीके से हम लोग पेमेंट कर देते हैं, जिस तरीके से हमारे पैसे हम लोग बैंक में जमा कर देते हैं, उस तरीके से बैंक, इस तरीके से गवर्नमेंट को भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब जब गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट के लिए जो बैंक है, गवर्नमेंट के लिए जो बैंकर के तौर पर काम कर रही है उसका नाम है सेंट्रल बैंक, राइट। तो गवर्नमेंट के लिए जो बैंक बैंकर के तौर पर काम कर रही है उसका नाम है सेंट्रल बैंक, यानी कि सेंट्रल बैंक जो इम्पोर्टेंट एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है वो है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। तो अभी तक सेंट्रल बैंक के दो फंक्शन के बारे में बातचीत की हमने, करेंसी अथॉरिटी और सेकंड फंक्शन है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। नाउ हम बात करते हैं भाई गवर्नमेंट को पैसे जमा करना, तो गवर्नमेंट की बात हो गई। नाउ हम बात करते हैं यदि हमें पैसे जमा कराना हो या हमें लोन लेना हो तो हम जो है कॉमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं, हम कॉमर्शियल बैंक को जो है हमारे पैसे जमा करा देते हैं, हम सेविंग अकाउंट के थ्रू, हम जो है एफडी के थ्रू, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के थ्रू, करंट अकाउंट के थ्रू हम लोग जो है पैसे जमा करवा देते हैं कॉमर्शियल बैंक के पास। और कॉमर्शियल बैंक यदि पैसे जमा कराना चाहें तो वो सेंट्रल बैंक को पैसे जमा करा सकती हैं, सेंट्रल बैंक से वो लोन भी ले सकती हैं। अब इसमें एक और बात मैं बता दूं, हम लोग जिस रेट पे ये लोग हमें लोन देते हैं वो इंटरेस्ट रेट कहलाता है। हम लोग जो जमा करते हैं उसको हम सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बोल सकते हैं। इसी तरीके से यदि ये पैसे जमा करवाएंगे तो इनको भी तो रेट इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो इनको, या ये मान लीजिए लोन लेते हैं तो ये जो लोन लेते हैं उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रेपो रेट, ठीक। ये शॉर्ट टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए जो लोन मिलता है उसको हम बोलते हैं बैंक रेट। इसको हम क्या बोलते हैं? बैंक रेट। तो जिस रेट पर इनको लोन मिलता है, जिस रेट पर इनको लोन मिलता है, मैं सिर्फ एक बारे में सिर्फ एक ही बात कर लेता हूँ, डिपॉजिट करने की बात नहीं करता हूँ। चलिए अब मैं एक ही बारे में एक बात कर लेता हूँ कि यदि मान लीजिए ये लोन ले रहे हैं तो इनको रेपो रेट पर या बैंक रेट पर लोन मिलेगा, और हम जो लोन ले रहे लेते हैं कॉमर्शियल बैंक से उसको हम इन जनरल जो है लोन इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, राइट है। तो ये इन जनरल हम बात कर रहे हैं, और ये बात कर रहे हैं हम कॉमर्शियल बैंक जो लोन लेती है वो। यदि हम पैसे जमा करा रहे हैं तो हमें ब्याज मिलता है इस तरीके से, यदि ये पैसे जमा कराएंगे तो इनको जो ब्याज मिलेगा उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। लोन लेंगे तब रेपो रेट, और जब जमा कराएंगे तब रिवर्स रेपो रेट, राइट। तो बैंकों के लिए बैंकर के तौर पर काम कौन करता है? कॉमर्शियल बैंकों के लिए बैंकर के तौर पर काम करती है सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ बैंकर्स टू द बैंक,
या बैंकों की बैंक सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट बात करते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, यानी कि ये हुआ कि अल्टीमेट क्लियरिंग जो अथॉरिटी है वो कौन है। देखिए आज हमें कोई पेमेंट लेना है, हम यहाँ पर पहुँच गए, फिर इनके पास नहीं है पेमेंट, तो ये पैसा का इंतजाम कहाँ से करेंगे? अल्टीमेटली यहाँ से करेंगे। तो अल्टीमेटली ये जो हमारे पास जो पैसे आ रहे हैं या हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, हम पब्लिक के पास तक जो चीज़ें पहुंच रही है या हम पब्लिक के पास तक जो लोन पहुंच पा रहा है, अल्टीमेटली उसका लास्ट रिजोर्ट कहाँ है, अल्टीमेटली उसका लास्ट डेस्टिनेशन कौन सा है? उसका अल्टीमेट लास्ट डेस्टिनेशन है सेंट्रल बैंक, राइट। तो सेंट्रल बैंक जो फंक्शन परफॉर्म कर रही है वो नेक्स्ट फंक्शन है लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट का। ये कभी कभार आप लोग यदि क्लास 12 में पढ़ रहे हैं तो ये तीन नंबर में क्वेश्चन आमतौर पे आता है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, राइट। तो इसको थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, पर इसका अल्टीमेट मीनिंग यही है कि भाई ये अल्टीमेट क्लियरिंग हाउस है, अल्टीमेट क्लियरिंग जो डेस्टिनेशन है, तो इसी वजह से इसका नाम लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट है। नेक्स्ट कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, देखिए वर्ल्ड बैंक से या वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन से या अपना यूएन से या और भी जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, उनसे हम लोगों के लिए जो है पब्लिक के लिए पैसा आता है गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट के पास पैसा आता है तो गवर्नमेंट के लिए जो मनी जितनी संभालने का जो काम है वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है सेंट्रल बैंक। तो यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज पड़ा हुआ है, अब वो हो सकता है कि ये वर्ल्ड बैंक से यूएनओ से आए या हो सकता है कि किसी और मीडियम से भी आए, तो जितना भी फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आ रहा है वो फॉरेन एक्सचेंज को संभाल के कौन रखता है? फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व जो इकट्ठा करके रखने का जिसका काम है वो भी सेंट्रल बैंक के पास है। तो सेंट्रल बैंक के पास जितने भी विदेशी मुद्रा कोष हिंदी में बोले तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को जो है जो संभाल के रख रहा है वो भी सेंट्रल बैंक है। तो सेंट्रल बैंक एक ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है जो कि अपने आप में एक चैप्टर है, अपने आप में एक कहें कि पूरी मनी सिस्टम को, पूरी मॉनिटरी सिस्टम को कंट्रोल करना है, तो वो उसका नाम है, वो फंक्शन है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। सेंट्रल बैंक वर्क एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। अब कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई से मतलब क्या हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि सेंट्रल बैंक जो है किस तरीके से मनी को सप्लाई को कंट्रोल करता है। अब इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि मनी सप्लाई होता क्या है। मनी सप्लाई होता क्या है? मनी सप्लाई का मीनिंग हुआ आप पब्लिक के पास किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना पैसा है उसको हम मनी सप्लाई बोलेंगे, राइट, जिसमें कि करेंसी और डिमांड डिपॉजिट वगैरह शामिल है। तो लोगों के पास कितना पैसा है उससे होगा क्या? भाई लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे इट मीन्स ये कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा रहेगी। मार्केट में यदि जरूरत से ज़्यादा डिमांड रहेगी, यानी कहे कि सप्लाई से ज़्यादा डिमांड रहेगी, तो मार्केट में क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। तो महंगाई को कम करने के लिए क्या होना चाहिए? लोगों के पास से पैसे कम कर लेना चाहिए। या फिर इसका जस्ट अपोजिट, मान लीजिए कि लोगों के पास पैसे कम हैं, उन्हें आसानी से लोन नहीं मिल रहा है या लोन महंगा मिल रहा है, तो वो लोगों के पास पैसे क्या रहेंगे? कम रहेंगे। यानी हम उसको सिंपल वे में बोलें या इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलें कि मनी सप्लाई जो है वो कम रहेगी। अब मनी सप्लाई यदि कम रहेगी तो वो खर्च कम कर पाएंगे, खर्च कम करेंगे तो मार्केट में सेल कम होगी, मार्केट में सेल कम होगी तो मतलब मार्केट में जो है मंदी का दौर रहेगा, यानी कि डिफ्लेशन का दौर रहेगा। और मार्केट में यदि डिफ्लेशन का दौर रहेगा, मार्केट में यदि मंदी है, तो मंदी को हटाने के लिए मनी सप्लाई को बढ़ाना जरूरी रहेगा। अब मनी सप्लाई को बढ़ाना है, क्या करना है? मनी सप्लाई को बढ़ाना है, लोगों के पास पैसे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाना है। अब मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाना है तो क्या करना चाहिए? लोन के रेट जो है कम होना चाहिए, पैसे जो है आसानी से मिलना चाहिए। तो ये सारे टूल्स आते हैं कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई के तौर पर, या कह के मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के टूल्स। तो इनके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में तो अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम लोग फिर भी डिस्कस करते हैं कि सीआरआर और एसएलआर क्या है। भाई सीआरआर दरअसल ये कैश रिजर्व रेशियो, इट मीन ये ऐसी रेट है जिस रेट पर टोटल डिपॉजिट का अमाउंट जो है वो सेंट्रल बैंक के पास जमा करना है कॉमर्शियल बैंक को। और SLR बोले तो स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, इट मीन्स ये इसका टोटल डिपॉजिट का जितना परसेंटेज कॉमर्शियल बैंकों को अपने पास रखना है।
कॉमर्शियल बैंक को अपने पास रखना है। से फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि सीआरआर जो है वो 10% है, सीआरआर जो है वो 10% है और एसएलआर जो है वो मान लीजिए कि 15% है, मैं एग्जांपल तौर पे ले रहा हूँ। तो इन दोनों को मिला के कितना हो गया 25%। इस पदियों जो 25% आएगा इसको बोलेंगे हम एलआरआर, इसको हम क्या बोलेंगे एलआरआर यानी कि लीगल रिजर्व रेशियो, इसको हम क्या बोलेंगे लीगल रिजर्व रेशियो, राइट। यानी कि इसका मतलब यह होगा कि 25% तक का पैसा कॉमर्शियल बैंक जो है वो लोन नहीं बांट पाएगी। बैंक के पास पैसा आया, बैंक के पास पैसा आया, उसका 25% जो है वो अब लोन बांट नहीं पाएगी। जब वो लोन बांट नहीं पाएंगे इट मीन्स ये कि 75% ही लोन बांट पाएगी। ये रेट को यदि कॉमर्स, ये रेट को यदि सेंट्रल बैंक बढ़ा दे, सेंट्रल बैंक मान लीजिए इस रेट को 30% कर दे, तो फिर 70% लोन ही बांट पाएगी। यदि मान लीजिए सेंट्रल बैंक इसको 40% कर दे तो फिर 60% लोन ही बांट पाएंगे। और यदि मान लीजिए इस रेट को 25 की जगह 20% कर दे तो फिर 80% यानी जो टोटल डिपॉजिट्स आ रही है उसका 80% लोन बांट पाएंगे, राइट। तो जब भी मनी सप्लाई को कम करना है, मनी सप्लाई को कम करना है तो इस रेट को क्या करेगी आरबीआई बढ़ाएगी। और जब भी इस रेट को कम कर रही है इट मीन्स आरबीआई मनी सप्लाई को क्या करना चाह रही है, मनी सप्लाई को बढ़ाना चाह रही है, राइट। नेक्स्ट यदि हम बात करें बैंक रेट की, बैंक रेट इट मीन्स जिस रेट पर जो है बैंकों को लोन मिलता है। मान लेते हैं कि ये मान लीजिए कि ये 10% पर है, तो ऑब्वियसली बात है ये जो पब्लिक को लोन देंगे वो 10 से ज़्यादा में ही देंगे, मैं मान लेता हूँ 12% में देंगे। यदि ये रेट 15% हो गई तो हो सकता है कि ये जो ये रेट होगा वो 17% हो। यदि ये रेट मान लो कि 5% हो गई तो ये रेट हो सकता है कि 6% या 7% ही हो। यानी कि जितनी ज़्यादा रेट ये रहेगी इतनी ज़्यादा लोगों को लोन महंगा मिलेगा। जब मनी सप्लाई कम करना है, लोगों के पास से पैसे कम करना है, तो बैंक रेट या रेपो रेट क्या करेगी आरबीआई बढ़ा देगी। आरबीआई जब ये रेट बढ़ा देगी तो इधर लोन महंगा मिलेगा, लोन महंगा मिलेगा तो लोगों लोन कम लेंगे। कम लोन लेंगे लोगों के पास पैसे कम रहेंगे, कम पैसे रहेंगे कम मनी सप्लाई, कम डिमांड करेंगे, कम डिमांड करेंगे तो मार्केट में जो है डिमांड कम होने की वजह से रेट भी क्या होंगे कम होंगे। तो ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए दरअसल ये सारे टूल्स यूज किए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी कि सेंट्रल बैंक को सिक्योरिटीज वगैरह बेचती है ना, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह बेचती है, शेयर वगैरह, डिबेंचर है, बॉन्ड्स वगैरह। अब ये डिबेंचर बॉन्ड्स वगैरह यदि सेंट्रल बैंक बेचेगी कॉमर्शियल बैंक को, फिर या कॉमर्शियल बैंक फिर पब्लिक को बेचेगी मान लो, तो सेंट्रल बैंक करेंसी के बदले में आपको जो है सिक्योरिटी दे रही है, यानी आपके हाथ में क्या आया, पब्लिक के हाथ में क्या आया सिक्योरिटीज़ कागज, और जो करेंसी थी वो कहाँ चली गई सेंट्रल बैंक के पास, यानी कि मनी सप्लाई क्या हो गई कम हो गई, मनी सप्लाई क्या हो जाएगी कम। और यदि वही जब ये वापस से सिक्योरिटीज आपसे खरीद ले, आपसे वापस खरीद ले, तो करेंसी क्या हो जाएगी आपके पास वापस आ जाएगी, यानी पब्लिक के पास वापस आ जाएगी। पब्लिक के पास वापस आना यानी कि मनी सप्लाई बढ़ना, पब्लिक के पास से मनी जाना यानी कि मनी सप्लाई कम होना, ठीक। तो ये सिक्योरिटीज को खरीद बेच करके मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेपो रेट। अब रेपो रेट बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए, तो इसमें ज़्यादा समझने लायक कुछ भी नहीं है। रिवर्स रेपो रेट इट में जमा कराने की बात, यदि सेंट्रल बैंक ये रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगी, मान लीजिए कॉमर्शियल बैंक अभी तक 8% पर पब्लिक को लोन दे रही है और सेंट्रल बैंक ही यदि इनको 8% देने लग जाए तो इधर लोन कौन बांटेगा, फिर ये तो इधर ही जमा करवाएंगे क्योंकि इधर ज़्यादा सिक्योरिटी है, इधर पब्लिक में सिक्योरिटी कम है। या ऐसा कर देंगे कि यदि मान लो आरबीआई ने उधर 8% कर दिया तो इधर लोगों को 12% में या 10% लोन बांटेंगे, तो जो इस वजह से क्या होगा मनी सप्लाई जो है कम हो जाएगी। तो रिवर्स रेपो रेट के थ्रू भी मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा मार्जिन रिक्वायरमेंट है, यानी कि जितना आप लोन लेना चाहते हो उसकी जो कोलेटरल सिक्योरिटी, से फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% है, तो आपने मान लीजिए कोलेटरल दिया 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख रुपए की आपने कोई संपत्ति गिरवी रखी है, तो आपको 20% का मार्जिन यानी कि आपको लोन मिल पाएगा 8 लाख का ही। ये रेट कौन डिसाइड कर रहा है, आरबीआई। मान लीजिए आरबीआई ने रेट डिसाइड कर दिया 30% मार्जिन रखना है, मार्जिन रिक्वायरमेंट 30% रखना है, तो यानी कि आपने जैसे पब्लिक, आम पब्लिक जो है 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो रख रही है गिरवी के तौर पर, तो 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी रखेंगे तो उनको जो है 7 लाख रुपए का ही लोन मिल पाएगा।
तो इस तरीके से भी आरबीआई जो है मनी सप्लाई कंट्रोल करती है। इसके अलावा एक और सोर्स है मॉरल सुजेशन, जिसके थ्रू मतलब आरबीआई जो है टाइम बाय टाइम जो है सजेशन देती है, वर्कशॉप जो है वो ऑर्गेनाइज करती है और जो है कमर्शियल बैंक को एडवाइस करती है कि हमें अभी मनी सप्लाई को बढ़ाना है या कब करना है, राइट। आई होप कि सेंट्रल बैंक के जितने भी फंक्शन हैं, करेंसी अथॉरिटी, बैंकर्स टू द बैंक, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, ये सारे आपको क्लियर होंगे। और यदि ये मान लीजिए ये तो सब क्लियर होंगे, इसमें ज़्यादा कुछ है भी समझने लायक, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई यदि आपको क्लियर नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक है, तो इस टॉपिक को फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक। फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा। और हाँ, आपने यदि विद्या फर्स्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस पर कॉमर्स और कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोनों के काफ़ी वीडियो मिलते रहेंगे आपको, ठीक। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, बाय, थैंक यू।